कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, एनटीएससी, एसटीएससी की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश केपीएस में। सर, सबकी निगाहें अलवर की टिकट के ऊपर थी। भंवर साहब का हाथ किसके साथ, हर आदमी कह रहा था। आपने ललित जी के ऊपर जो दाव खेला, कहाँ तक ये आपको विजयी दिलाएगा? ये मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आम जनता की भावना ललित जी के साथ थी। कांग्रेस पार्टी ने, हाई कमांड ने तय किया है, यहाँ के माननीय हमारे जितने भी विधायक हैं, और अलवर की जनता के रूप में मैं भी एक अलवर के नागरिक हूँ। मुझे भी सौभाग्य है कि ललित जी का नाम हाईकमांड तक पहुंचाया, और हाईकमांड ने इसलिए इनको टिकट दिया है कि एक नौजवान है, लोकल कैंडिडेट हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनने एक लड़ाई लड़ी है। ये पिछले 10 साल से युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो भारतीय, और दूसरी ओर से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो यहाँ का रहने वाला ही नहीं है। उसको ये नहीं मालूम नीमराना कहाँ है, उनको ये नहीं मालूम बाबा केदारनाथ जी का मंदिर कहाँ है, उनको ये नहीं मालूम कि मांडन कहाँ है, उनको ये नहीं मालूम राजगढ़ कहाँ है, उनको ये नहीं मालूम लक्ष्मणगढ़ कहाँ है, रामगढ़ कहाँ है, रैणी कहाँ है, पूरा ज़िले के बारे में उनको मालूम नहीं है। और जो व्यक्ति अलवर की भूमि का होता है, यहाँ की मिट्टी का बना हुआ होता है, उसको ही एक तरह से अलवर की जनता के लिए दुख और दर्द हो सकता है उसके दिल के अंदर। भंवर साहब, अलवर जिले का चुनाव घाटी के उस पार और घाटी के इस पार का माना जाता था, अब की बार आर पार का मुकाबला? आर पार नहीं है, पूरा अलवर का चुनाव जो है एक तरफा हो चुका है। मैं, हमारे माननीय MLA साहब राजगढ़ यहाँ हैं, इनने दाव लगा लिया है आज कि पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा वोट से कांग्रेस पार्टी और ललित जी जीतेंगे तो वो राजगढ़ से जीतेंगे। ऐसे ही अब कंपटीशन हो चुका है हर विधानसभा क्षेत्र का, तो एक तरफा चुनाव होने वाला है। लाखों वोट से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और एक नारा जो अलवर के अंदर लग चुका है वो है, भारी भगाओ अलवर बचाओ। भंवर साहब, अलवर जिले का चुनाव बहरोड, मुंडावर, किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और अलवर ग्रामीण, अलवर शहर, इसमें से आप मानते हैं कि आपके उधर के वोट पेटी पैक है, लेकिन यादवों के वोट बटने का अंदेशा है? बिल्कुल नहीं बटेंगे। सभी समाज, 36 बिरादरी ललित जी के साथ है, इनने कार्य करके दिखाया है। जो बाहरी व्यक्ति है उसके आज आप काउंट को ढूंढोगे, हमने देख लिया 10 साल के अंदर जो बाहरी व्यक्ति होता है उसके वहाँ पहुँच ही नहीं पाता है, फ़ोन नहीं उठाता है। आज किसी का ट्रांसफार्मर फूक गया है, किसी की हैंडपम्प खराब हो गया है, किसी का पुलिस का, थाने का मामला है, तहसील का मामला है, कहाँ ढूंढते रहेंगे उनको जी। डॉक्टर कर्ण सिंह का एक बयान आया कि भंवर साहब ने मेरी राजनीतिक हत्या कर दी, संदीप भी आपसे नाराज़ है? बिल्कुल नहीं, संदीप भाई से मेरी बात हुई है, उनके बच्चे का अभी छुट्टी वट्टी थी तो वहाँ मेरे से 4-5 दिन पहले ही वो गए थे वहाँ, और मैं ये कह सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, संदीप जी ने ही भाई ललित का नाम उनने रखा था, उनने प्रस्ताव मुझे रखा था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के अंदर कि भाई ललित को आप टिकट दीजिए, मैं उनके साथ हूँ। आप देखिए, कल से वो कांग्रेस का झंडा उठाकर इस चुनाव का संचालन के अंदर सबसे आगे रहेंगे। जहाँ तक डॉक्टर साहब की बात है, डॉक्टर साहब हमारे बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत आदरणीय हैं, वो कांग्रेस पार्टी को ने उनको सब कुछ दिया है, उनने उनको 2-2 बार विधायक बनाया है, राज्यमंत्री का उनको दर्जा दिया है, 2 बार उनको सांसद बनाया है, बड़े पदों के ऊपर उनको रखा है, और पूरे देश के अंदर उनका एक अलग नाम कांग्रेस पार्टी की वजह से चमकता है। तो कांग्रेस पार्टी के रूप में वो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और चुनाव का संचालन करेंगे। भंवर साहब, विधानसभा चुनाव में आपने ललित जी को टिकट दिया, बहरोड से संजय यादव को टिकट दिया, आप कहाँ यादव विरोधी हो गए, अब की बार भी आपने ललित को टिकट दिया, जबकि डॉक्टर कर्ण सिंह यादव आपके खिलाफ दिल्ली दरबार तक पहुंच गए थे। देखिए, ये जो कुछ जो अफवाहें उड़ाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव में अपने वोट लेने के लिए अफवाहें उड़ाती है। जो मेरा कार्य हरदम रहा है, या मेरे परिवार का जो कार्य रहा है, मैं 36 बिरादरी का हूँ, मेरी कोई जात नहीं है, मेरी जात है वो अलवर की जनता है, वो मेरी जात है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो किसी मुझे किसी वर से, किसी बिरादरी से जोड़ते हैं तो वो सिर्फ एक प्रचार, झूठा प्रचार करने के लिए और अपने वोट बटोरने के लिए काम करते हैं। लेकिन आपने फूलबाग में खुद एक स्टेटमेंट दिया था कि लोग मुझे भंवरू खा तक भी कह देते हैं।
देखिए ये वही तो मैंने आपको बताया कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी का वोट लेने की इनकी जो लोग कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, राठ के अंदर कोई और बात रखते हैं, अलवर शहर में कोई और बात रखते हैं, हमारा जो मेवात का क्षेत्र है वहाँ कह देते हैं कि इनने BSF ITBP की ये खोल दी है, तो ये सारी झूठी बात है। इनकी पोल खुल चुकी है। आज मोदी बात करते हैं, हमारी गारंटी की मोदी जी बात करते हैं, कौन सी गारंटी? वो पहले वाली गारंटी जो उनने करी है 15 लाख की पेट्रोल डीजल के कम करने के लिए, जो किसानों की आमदनी दुगनी करने की, वो गारंटी की बात करो। अब क्या गारंटी की बात कर रहे हैं, खोखले बात कर रहे हैं ये। भंवर साहब, आपके पास जिम्मेदारी आसाम की भी है, मध्य प्रदेश की भी है, अलवर में आप कितना टाइम दे पाएंगे लल्ली जी के लिए? देखिए, अलवर मेरा घर है, अलवर की जनता मेरा परिवार है, मध्य प्रदेश, आसाम और दूसरे प्रदेशों के मेरे पास ज़रूर काम है, वो मैं काम बहुत जल्दी ही उन कामों को मैं निकालूंगा, लेकिन जो मेरी दिल की जो मैं समय ज़्यादा से ज़्यादा अलवर के अंदर दूंगा। भंवर साहब, कल हरियाणा में तख्ता पलट हुआ, अपनी पार्टी का ही मुख्यमंत्री बदल दिया झटके में, और खास तौर से बिहार के अंदर भी एक पार्टी को टिकट नहीं दी गठबंधन के अंदर, क्या कहेंगे मोदी की गारंटी 400 पार? देखिए, ये बिल्कुल एक तरह से घबराए हुए हैं। आज कुछ अब चुनाव होने वाले, आचार संहिता होने वाली है, उससे पहले मुख्यमंत्री ने बदल दिया, तो ये बिल्कुल विचलित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ से जो पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो एक लहर चल रही है, वो एक लहर कांग्रेस की तरफ लहर चल रही है, और इसलिए चल रही है क्योंकि जिस तरह का इनने कार्य करा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, ये जिस तरह से देश को तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्हें चली है और वो लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, तो उनका असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। राजस्थान में आपको क्या लगता है 25 में से कितनी कांग्रेस की? देखिए, हमारे पास अभी कोई भी सीट नहीं है राजस्थान के अंदर, और ये चुनाव के अंदर आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट होगा और बहुत सारी सीटें आएंगी, और एक तरह से जो आपका चुनाव है ये आश्चर्यजनक चुनाव होने वाला एक है। एक अंतिम सवाल है, आपने कहा कि हम ये मुद्दा उठाएंगे कि भारी और स्थानीय, इसके अलावा क्या एजेंडा रहेगा, क्योंकि आज भी बलबीर छिल्लर डॉक्टर जसवंत के साथ भूपेंद्र यादव के साथ थे। देखिए, जो हमारे सबसे बड़े जो मुद्दे हैं उसके अंदर ये है कि देश का मुद्दा ये है कि जिस तरह से इनका शासन रहा है, जिस तरह से इनने वादे करे हैं, जिस तरह से बिरादरियों को, धर्म के ऊपर मैंने जो बात आपके सामने रखी है, देश को तोड़ने का काम किया है, और दूसरी तरफ जिस तरह से अलवर के अंदर, जो अलवर का विकास कौन कर सकता है, जो अलवर का बेटा हो, अलवर का भाई हो, वो ही अलवर का विकास कर सकता है। आपने देखा पिछला 10 साल का रिकॉर्ड बता दें, एक अलवर के अंदर कोई बड़ा काम करा हो, और दूसरी तरफ जब कांग्रेस की सरकार थी बड़े बड़े यहाँ काम हुए, भर्ती दफ्तर हुए, 8-8, 10-10 भर्ती दफ्तर हुए, जो फ्लाईओवर बने हैं, हाईवे बने हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हैं, ये आप एक तरफ देखिए। अशोक गहलोत जी की सरकार थी, जो कल्याणकारी योजनाएं, चाहे उसके अंदर चिरंजीवी योजना हो, चाहे युवाओं के लिए योजना हो, हर वर्ग के लिए योजनाएं हैं, वो एक तरफ योजना है। तो आज जनता देखती है कि कौन सी पार्टी काम करने वाली है, बड़ी बड़ी बातों से, भाषण देने से किसी का पेट नहीं भरता है, ये समझ चुके हैं। इंदु अस्पताल नीमराणा, ICU, NICU, AC वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। 7वां से 8वां से जन्मे बच्चों का सफल इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख TPA, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। ललित जी, आपको भंवर साहब ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, आपने विधानसभा के अंदर वो करके भी दिखाया, इनके झोले में मुंडावर की सीट बड़े अंतर से आपने जीत के दिखाई, अब क्या भरोसा देंगे आप इस मंदिर धर्म स्थली पर? देखिए, पूरे ज़िले में एक बहुत लहर चली हुई है मजबूत, कि पिछले काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा थी, और भंवर साहब ने, पूरी पार्टी ने मिलकर के निर्णय किया, जो हमारे सभी कैंडिडेट थे, हम सब लोगों भी एक साथ भंवर साहब से मिले थे। आज ज़िले में लहर चली हुई है, स्थानीय को टिकट दिया है, नौजवान को टिकट दिया है, और विशेष रूप से इधर राठ के इलाके को टिकट दिया है, तो निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है, और पूरे ज़िले में लहर है। मेरे पास बहुत बहुत दूर दूर से फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पास अभी मध्य प्रदेश से फ़ोन आया और कई जगह से फ़ोन आए, तो सब लोग कह रहे हैं हम लोग भी आएंगे आपके चुनाव में, मजबूती से मदद करेंगे, और 100% आप चुनाव जीत रहे हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नौजवान और बुजुर्ग, किसान, महिला, दलित, पिछले सब लोग मिलकर के अब जो पिछले 10 साल का इनका शासन रहा है, जिनमें कथनी और करनी में 100% इनका फर्क रहा, उसको देख करके और जनता वोट करेगी। 5 साल का जो हमारा शासन था, भंवर साहब जब सांसद बने, जो ज़िले में ऐतिहासिक काम हुए,
800 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा अस्पताल बनाने का काम किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंटर सब सेंटर बनाने का काम किए और बहुत ज़्यादा अलवर ज़िले में काम हुए थे। उन सबको देख करके आज अलवर के अंदर तो कांग्रेस के शासन बनने वाला। पिछले चुनाव में बाबा बालकनाथ बहरोड़ और मुंडावर से लगभग 2 लाख वोटों से बढ़त ली थी, उस बढ़त को आप बढ़ाएंगे या उसके ऊपर आप उसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? अभी जब दिल्ली से आए तो हजारों की संख्या में नौजवान वहाँ 36 कौम सभी धर्म मजहब के लोग पधारे, वो इस बात का प्रमाण है कि जितने से पिछली बार हम हारे थे उतने से जीतेंगे। लोग कहते हैं कि बसपा ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दी है, उससे आपका उधर उस साइड में फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अब कोई पटको पार्टी को वोट नहीं देने वाला है जी। अब केवल वोट जो जीतने वाला कैंडिडेट उसी को वोट देंगे। सब लोग समझदार हैं, सबको पता है इस बात का कि कोई वोट खराब नहीं करेगा। तो जो बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी जो भी कोई षड्यंत्र रच रही है उनमें जनता अब नहीं आएगी। विधानसभा चुनाव में डॉक्टर कर्ण सिंह यादव और कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी से आए थे आपके चुनाव प्रचार में, आपको पोता बोला था, क्या डॉक्टर कर्ण सिंह यादव फिर से आपको आशीर्वाद देंगे? मेरी तो बात हुई थी उनसे, वो बिल्कुल आशीर्वाद देंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। और मेरी आज ही बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि कहीं परिवार में कोई शादी वहाँ चलेगा तो आएंगे, साथ रहेंगे। अगर डॉक्टर कर्ण सिंह यादव को टिकट मिलता तो मतलब वो जीतते, और कहते हैं ललित यादव नहीं जीते, ऐसा ही बयान उन्होंने दिया था संजय यादव के लिए कि इनकी जमानत जब्त होगी, जबकि 45,000 वोट लेके आए बहरोड़ से, वो 47,000 वोट लेके आए और अब वो कह रहे हैं कि ललित यादव नहीं जीत पाएगा, तो मतलब डॉक्टर करण सिंह यादव की उम्र का ये तगाजा है या किस वजह से इस तरह के बयान? हमारी पार्टी के बहुत परिवार के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उम्र का भी तगाजा है, तो कोई लोग कुछ कहलवा देते होंगे लेकिन वो मन से साथ रहेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। आप क्या एजेंडा, क्या मुद्दा लेकर चलेंगे अलवर जिले में? नौजवान के रोजगार की बात है उसको लेकर के चलेंगे कि पिछले 10 साल पहले मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं दिया, कहीं सरकारी तो छोड़ो आप निजी किसी कंपनी में रोजगार नहीं लगाया। तो नौजवान को रोजगार की बात करेंगे, किसान के सुरक्षा की बात करेंगे, MSP की बात करेंगे, हमारे महिला की सुरक्षा की बात करेंगे और यहाँ जो भी जिले में विकास की गति रुकी है उसको तेज करने का काम करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज बहरोड़, अब आपको कोटा जाने की नहीं है जरूरत। कैरियर पॉइंट कोटा की कोचिंग अपनी टीम के साथ अब यूनिक बहरोड़ में। चेयरमैन सुमित यादव का दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से यूनिक संस्थान ने राज्य और जिला स्तरीय मेरिट देकर राठ का नाम किया रोशन। स्कूल में नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नवोदय, ओलंपियाड, मिलिट्री की तैयारी, IIT और नीट के अलग से बैच प्रारंभ। आपके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए स्कूल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। छत्तीसगढ़ एक ऐसी विधानसभा थी आपने जिता के भेजा था, अब की बार क्या आप ललित यादव को पूरा वायदा? राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा वो क्षेत्र है जो, और है भी क्यों नहीं, वहाँ लगाव है गहरा अलवर जिले से, अलवर की लोकसभा से गहरा लगाव है, क्योंकि पुराने जमाने में राजगढ़ ही अलवर की राजधानी हुआ करता था और अलवर का मान सम्मान गिरता है, वहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, उनका मान सम्मान हमेशा ऊंचा रखने के लिए तत्पर रहते हैं। चाहे घासीराम जी यहाँ से चुनाव लड़े हो, जिनके यूरिनल ट्यूब लग रही थी, उसके बावजूद उनको भी जिताया था हमने और हमेशा भंवर साहब को भी 50+ से जिताया है और वहाँ के युवाओं में अब की बार जोश है और इतना जोश है कि ललित को जो जानते नहीं ने, जो कहते हैं ललित भाई को टिकट मिलेगा हम जी जान लड़ा देंगे तन मन धन से और सबसे ज़्यादा वोटों से जिताने का, और मेरे को वहाँ के लोगों पे विश्वास है, आम जनता पे विश्वास है, 36 कौम पे विश्वास है और 36 कौम मिलके यहाँ 8 विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से लीड देंगे, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ देगी और यहाँ के नागरिकों से भी राठ क्षेत्र में जो ललित भाई युवा है और मतलब युवान का हृदय सम्राट है और इनको भरोसा किया हाई कमान ने, भंवर साहब ने और गहलोत साहब ने और अपने सचिन पायलट साहब ने और खड़गे साहब ने इनको पर विश्वास काम किया, क्या यहाँ की जनता यहाँ राठ की भूमि में खेले और पने और इनकी गोद में खेलें और उसके ऊपर निश्चित हमको उम्मीद है कि यहाँ की जनता अपना तौका झुकाव रखते हुए ललित भाई को सबसे ज़्यादा वोटों से जिताएगी और इतिहास रचेंगे, यहाँ जीत का अंतर का इतना अंतर रहेगा। धन्यवाद। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चे दानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा, विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। बहरोड़ क्षेत्र के तसिंग गांव में आज गौ माता की मूर्ति की स्थापना हुई।
इससे पूर्व मूर्ति को नगर भ्रमण करवाया गया जिसमें बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल हुए। इसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान हरिराम, इंद्राज, श्याम सिंह, राहुल, हितेश, राकेश सहित अनेक गोभक्त मौजूद रहे।